सब्सक्राइब करें सोनीस किचन चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस किचन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। फ्रेंड्स, इस न्यू ईयर को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करें और आपका ये साल बहुत ही खुशहाल जाए, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप सबके लिए मैं एक न्यू ईयर रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसका नाम है ओरियो मिनी केक। मैंने यहाँ पे दो इमेज पेश की हैं जिसमें एक में मैंने सिंपल गार्निश किया है, दूसरे में थोड़ी सी हैवी गार्निशिंग की है। आपको जिस तरह से पसंद आती है आप उस तरह से गार्निश कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये ओरियो केक बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप ओरियो पाउडर, यानी कि ओरियो बिस्किट को मैंने चूरा बना कर ले लिया है। क्रीम के साथ ही मैंने इसे पीस लिया था और ये चीनी को मैंने घर पे पीस कर लिया है, 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर, 1 पिंच हम डालेंगे बेकिंग सोडा यानी कि मीठी सोडा, और इसमें हम थोड़े थोड़े करके मिल्क डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप मिल्क ले लिया है। मिल्क हमारा रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए और हम थोड़े थोड़े डालेंगे, एक साथ में सारा मिल्क हमें नहीं डालनी है, तो थोड़े थोड़े करके डालिए और अच्छे से मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। हमें ये स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार करनी है, जैसे हम केक के लिए बैटर रेडी करते हैं उसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये बैटर बनकर तैयार है, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। और हमारा मिल्क सारा यूज़ नहीं हुआ, इसमें से इतना मिल्क हमारा बच गया है। ये बैटर रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे ये कटोरिया लिया है, ये सबके घर में अवेलेबल होती है नॉर्मली, तो ये कटोरियों में मैंने थोड़े थोड़े बटर पेपर डाल दिया है। आप चाहे तो ग्रीस कर सकते हैं बटर के साथ। और इसके अंदर हमें 2 टेबलस्पून या फिर 2.5 टेबलस्पून बैटर डाल करके हमें इसे भरनी है। हम इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे, इसी तरह से सारे बाउल भर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक भगोने में एक स्टैंड रख करके मैंने ये प्लेट रखा है, इसके ऊपर मैंने ये बाउल्स रख दिया है। अब हम इसको ढक देंगे और इसे हमें 10 मिनट बेक करनी है। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारा केक बेक होकर के तैयार है, आप फोक से इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, अब हम इसे अनमोल्ड करेंगे। बहुत आसान से ये अनमोल्ड हो जाती है। फ्रेंड्स, आप देखिए अपने आप साइड्स छोड़ देती है और बस पलटनी है, निकाल देनी है, बहुत आराम से ये अनमोल्ड हो जाती है। और हमारा सारा केक बन करके तैयार है। ऊपर का बटर पेपर भी हम निकाल लेते हैं और बहुत ही अच्छा फूल करके हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये केक हमारी ठंडी हो गई है, हमने जितना बैटर लिया था इसमें हमारा 4 केक बन करके तैयार है छोटे छोटे। मैंने यहाँ पे बटर क्रीम लिया है, आप चाहे तो व्हिप क्रीम ले सकते हैं, फ्रेश क्रीम से बनी हुई व्हिप क्रीम या कोई भी व्हिप क्रीम ले सकते हैं। और ये बटर क्रीम को हम इस तरह से लगा लेंगे और बीच में हम चॉकलेट गनाश डाल देंगे थोड़ी सी। बटर क्रीम और चॉकलेट गनाश की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके ऊपर हम दूसरी केक रख देंगे इस तरह से, जैसे सैंडविच रखते हैं हम उसी तरह से पैक कर लेंगे इसे, और ऊपर हम डाल देंगे चॉकलेट गनाश। मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग में भरकर रखा है। बहुत ही सिंपल गार्निशिंग है फ्रेंड्स, और ये सारी चीज़ें आपको घर पे अवेलेबल होगी, आप आराम से बना सकते हैं। और थोड़े से बटर क्रीम हम स्टार नोजल से इस तरह से स्टार बना लेंगे और इसके ऊपर चेरी या स्ट्रॉबेरी आप कुछ भी रख सकते हैं। तैयार है हमारा ओरियो मिनी केक, बहुत ही ईजी। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा ओरियो मिनी केक, या फिर इसे ओरियो मिनी केक सैंडविच कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपी है, या यूँ कहिए क्विक एंड इजी रेसिपी है। क्विक एंड इजी रेसिपी है इसीलिए आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे बना सकते हैं, या फिर इस न्यू ईयर पार्टी में ये केक को बनाइए, बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे। बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि मैंने इसे बहुत बार घर पे बनाया है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आप भी बनाएं और अपने बच्चों को खुश करिए और अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई है, तो लाइक करना बिल्कुल बनता है, लाइक करना भूलिएगा मत, और ये रेसिपी को सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर कीजिए। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप भी जाके सब्सक्राइब कर ले रेड बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।